प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 3 समय का मूल समझेंगे और इसके शब्दार्थ समझेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे। समय का मूल, बच्चों समय क्या होता है? आप हर रोज जैसे सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, ये समय के अनुरूप बदलता है ना। आप हर रोज नए काम करते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, तो सब कभी भी चले जाते हो क्या स्कूल? नहीं, हम हर काम समय पे करते हैं, समय पर स्कूल जाते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर खेलते हैं, समय पर खाना खाते हैं। तो हम सबको अपना हर काम समय पे करना चाहिए और जो बच्चे अपना काम समय पे करते हैं वो ज़िंदगी में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए आप भी हर काम समय पे किया करेंगे ना। तो चलिए अब इसके हम शब्द अर्थ समझते हैं, समय का मूल के शब्द अर्थ। सो पहला शब्द अर्थ क्या है? कण कण का मतलब होता है छोटे से छोटा टुकड़ा। आप छोटे से छोटा टुकड़ा, जैसे अब आपकी मम्मी आपके लिए चपाती बनाती है तो आप पूरी चपाती एक साथ नहीं खाते हो ना, क्या करते हो? उसके छोटे से छोटे टुकड़े कर कर के खाते हो, है ना। तो उसका एक बड़ी चीज़ का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको हम बोलते हैं कण कण। तो कण कण का मतलब होता है छोटे से छोटा टुकड़ा। बुद्धिमान, ये तो सबको पता होगा। सभी यहाँ पे कौन कौन बुद्धिमान है? सभी बुद्धिमान बच्चे हैं ना। बुद्धिमान, होशियार, बुद्धिमान का अर्थ होता है होशियार। जो बच्चे हमेशा पढ़ाई करते हैं तो वो क्या होते हैं? होशियार बन जाते हैं। उनको सब आता है, जब उनको उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो बता देते हैं। तो बुद्धिमान का अर्थ क्या है? होशियार। सागर का मतलब समुद्र। अब आप सोचोगे समुद्र क्या होता है? आपने नदी, तालाब, नहर, कुआं देखा है ना। आप स्विमिंग भी करने जाते हो, तैराकी के लिए जाते हो, तो क्या आप सागर में जाके तैराकी कर सकते हो? नहीं, क्योंकि सागर बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत पानी होता है, नदी से भी बड़ा होता है। हम सागर में ऐसे नहीं जा सकते, हमें सागर में जहाज में बैठ के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ता है। तो सागर बहुत बड़ा होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? समुद्र। पल पल का अर्थ क्या होता है? समय का छोटा हिस्सा। समय तो बहुत बड़ा होता है ना, सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन हमें उसके हर हिस्से का सही उपयोग करना चाहिए, है ना। जैसे सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हुई, तो समय का छोटा हिस्सा। पल पल मतलब समय का छोटा हिस्सा। युग का मतलब होता है बहुत लंबा समय, है ना। बहुत लंबा समय मतलब जैसे अभी आप तीसरी क्लास में हैं तो अब एकदम से चौथी क्लास में नहीं जाएंगे ना, बहुत समय लगेगा, एक साल के बाद आप चौथी कक्षा में पहुंचेंगे, तो वो लंबा समय हो जाता है। तो युग का मतलब क्या होता है? बहुत लंबा समय। मोल का अर्थ है कीमत। जब हम कभी कोई चीज सामान खरीदते हैं तो हमें उसका कीमत देना पड़ता है ना, कोई हमें फ्री में नहीं देता है। तो जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम उसका कीमत देते हैं, तो मोल करते हैं, उसका भाव करते हैं। तो मोल का मतलब क्या होता है? कीमत। धन्यवाद बच्चों, अब आप सभी शब्द अर्थ को दोबारा से पढ़ेंगे और समझेंगे।